उनका हमेशा यही कहना रहता था कि जिंदगी चाहे थोड़े दिन की हो, शेर की तरह जीना चाहिए। कहा कि तुम अफसर हो, जब लाए कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। तो कहने लगे, मम्मी जहाँ पर जैसे हम और आप होंगे, तो जहाँ कोई मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगी कि हमको आगे कर दोगी? तो हमने कहा, नहीं हम जाएंगे। तो कहे, वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं, और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे? तो मेरी समझ में इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम है। गरीबी देखी थी और अपने भाइयों को बताते थे कि भैया पढ़ाई में मेहनत करना, पापा का पैसा वेस्ट ना जाए, इतनी पढ़ाई करना जो पापा पैसा इतनी मुश्किल से लगा रहे हैं उसको वेस्ट मत जाने देना। खुद उनको जो है अंदर से ये था कि कहीं से पापा को परेशानी ना हो हमारे पढ़ने में, यदि उनको दिक्कत हो रही है तो अपने कम से कम में काम कर लेते थे। यदि हम देते थे उनको कि स्कूल चले जाना, रिक्शे से जाना, तो अपना पैदल चले जाते थे रिक्शे से, रिक्शे का पैसा बचा लेते थे। 2.5 साल के थे तो हम लोग मेला गए थे, तो हमने कहा कुछ लेना हो तो ले लो। तो कहने लगे, हमको बांसुरी दिला दो मम्मी। बहुत छोटे थे तब की बात है, भुइयां देवी गए थे मेला, नहीं होता वहाँ शीतला मंदिर में, तो वहाँ से बांसुरी लिया था। अब वो बांसुरी अभी भी कहीं रखी होगी, उसको जब जैसे कहीं जाते थे, बड़े हो गए, छोटे पर से बजाया करते थे, खूब अच्छी अच्छी बांसुरी बजा के हम सुनाएं, तो हम कहे तुम इतनी ये जो है 3-4 रुपया की बांसुरी ले आओ, इसी में सारा दिन बिजी रहते हो, बजाया करते हो, जब टाइम मिले उसी में लग जाए। उनका मेन जज्बा था, उनकी यही एक सोच रहती थी कि सिविल में तो सब लोग सर्विस कर लेते हैं और मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो आर्मी में मिलेगा तो हम जाएंगे तब हम करेंगे। हर खेल में सैनिक सुमन में बहुत तेज थे, हर खेल को खेलते थे, सबसे आगे रहते थे, जो भी मीटिंग वहाँ पर होती थी उसको बढ़ चढ़ के, उसमें स्कूल के अलावा भी कोई कार्य होता था विद्यालय का तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। ऐसी दशा में उनको जनरल नॉलेज की बातें उनके पास काफ़ी थी। जब कोई भी सैन्य अधिकारी वहाँ पर आता था, उसके अगल बगल ही रहते थे, उससे वार्ता करते थे, उसकी वार्ता को सुनते थे, ये उनके आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन भी बना। एनडीए परीक्षा देने के लिए गए, 67 बच्चे स्कूल से गए थे, उसमें मनोज भी थे। एग्जामिनर ने वहाँ पर इंटरव्यू ले के लिए जो बैठे हुए थे सभी से कुछ न कुछ पूछा। मनोज से पूछा कि तुम सेना में भर्ती होने के लिए क्यों आए हो, और कोई काम क्यों नहीं सीखा? तो मनोज ने दृढ़तापूर्वक विश्वास, अपना आत्मविश्वास वहाँ पर उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि सर, मैं परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। तो अधिकारी ने कहा, जानते हो कैसे मिलता है? तो मनोज ने कहा, सर जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन मुझे अवसर दिया जाए मैं उसको जीवित लाऊंगा। हमको एक दिन पहले पता चल गया था उसको कुछ लग गया, चोट लग गई या कुछ हो गया, पता नहीं मेरा दिल कहाँ से, हमने मतलब हमको ये लगा कि जो है हम सो रहे थे, कहीं ये लड़ाई हो रही है, हम उसको देख रहे हैं कि लड़ाई में बैठे हुए हैं। अब वही हाफ शर्ट सफ़ेद और पैंट ग्रे कलर की पैंट देखी, अब बंदूक लिए हैं, अब बस गोली आके इनको लग गई है। तो हम उठ के बैठ गए, रोने लगे। हमने कहा, अरे ये सब हम क्या देख रहे हैं, क्या हुआ? तो इतने में बेल बजी, तो हम कहे कि कौन आया देखें, देखे तो भाई अफसर सब खड़े थे। मैं शहादत तो वहाँ जो बॉडी लाया था वहाँ से, लेफ्टिनेंट अच्छे चंद्रन थे, उस समय लेफ्टिनेंट थे, वही इनकी बॉडी लेकर के हम उसी एयरपोर्ट पर आए थे। खत में लिखा था कि मम्मी जो है टीवी के द्वारा आपको लड़ाई की यहाँ का हालात का पता चल गया होगा, लेकिन आप चिंता ना करना, और जहाँ पर मैं हूँ तो बहुत संघर्ष की वो है वक्त है, लेकिन आप मेरे खत का जवाब जरूर देना और चिंता ना करना, मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ। मम्मी और पापा का ध्यान देना, छोटे भाई को लिखा था उनका ध्यान देना।